नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ नारबन। अपडेट में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भले ही दे दिए हों, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन जौनपुर में सड़क किनारे नगरपालिका द्वारा कूड़े को जलाकर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यह तस्वीर जौनपुर जिले के शाहगंज नगर बाईपास की है, जहाँ रोड किनारे शाहगंज नगर पालिका द्वारा कूड़े को जलाकर वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कूड़े से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीली बना रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग जहरीली और प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर है। रोड पर धुएं के कारण अक्सर दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। लोग अपने वाहनों की लाइट को जलाकर चलते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस पर कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। हर बार की तरह नगर पालिका कूड़े को फेंकने के बाद जलाने का काम कर रही है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। 2017 से लगातार एप्लीकेशन तहसील दिवस में और मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी दी जा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। और नगर पालिका द्वारा पूरे नगर का कूड़ा ला के बाईपास पे डाल दिया जा रहा है, जिससे इतनी गंदगी, इतनी बदबू है, बीमारी फैल रही है। और उसको छिपाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उसमें नगर पालिका द्वारा आग लगा दी जाती है कूड़े में। इसकी शिकायत मौजूदा डीएम से भी की गई, इसके पहले जो डीएम थे उनसे भी की गई, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं निकल पाया। न एसडीएम निकालता है, न डीएम ही निकालता है। आने जाने वालों को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आने जाने वालों को तो इतनी बुरी कंडीशन है कि एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि धुआं जो उठता है तो आदमी जा नहीं पाता। कई बार तो एक्सीडेंट हुआ भी है, हम लोगों ने इधर उधर लोगों ले जाके दिखाया है। वहीं इस मामले पर जब नगर पालिका अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कूड़ा जलाए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा कूड़ा बाईपास रोड पर फेंका तो जाता है। ये बात सही भी है, क्योंकि नगर पालिका के पास कूड़ा डंप करने की कोई जगह नहीं है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी को कई बार लिखित तौर पर दिया गया है। नगर पालिका प्रयास कर रही है कि कूड़ा दादर पर न गिराया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमीन नहीं है कि कूड़ा वहाँ हम लोग कर सकते। हमारे डीएम साहब से भी अनुरोध किया गया है कि आप कूड़ा के लिए हमें कुछ जमीन की व्यवस्था करा दें, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। और हम लोग यही कोशिश में है कि कुछ जमीनें लेके, या चाहे किराया पे, चाहे कुछ करके वहाँ पर कूड़ा डंप करा रहे। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश की योगी सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दे चुके हैं कि कूड़े कचरे को नहीं जलाया जाए, लेकिन जौनपुर नगर पालिका द्वारा कूड़े को जलाए जाने का काम किया जा रहा है, जो इस बात को वहां की नगर पालिका खुद बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की योगी सरकार कूड़े जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन राजधानी के में सवालों के घेरे में है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं सरकार के ही नुमाइंदे इस मिशन को नज़रअंदाज कर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। बिना शौचालय बनाए कागजों पर ODF घोषित करने की कवायद कर रहे हैं, जिससे आज भी गांव के लोग खुले मैदान में शौच जाने को विवश हैं। लोगों का कहना है शौचालय के लिए कई बार जिम्मेदार आला अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तिवलर गांव के 172 छूटे हुए लाभार्थियों की सूची भेजी गई, जिसमें 100 का पैसा मिल गया है। जैसे जैसे पैसा मिलता जाएगा वैसे वैसे उनको शौचालय निर्माण कराते जाएंगे। एक और सवाल उठता है, कर दिया गया ODF जो 2012 में सर्वे हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, उसमें जो पात्र पाए गए थे उनको शौचालय दे दिए गए। उसके अलावा जो परिवार छूट गए थे उनकी सूची भेजी गई है,
पैसा आ रहा है शासन से, जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वैसे वैसे शौचालय उपलब्ध कर। भारत अभियान के तहत अभियोजन कर जनप्रतिनिधि और अधिकारी गाँव को शौच मुक्त करने के दावे कर रहे हैं, पर हकीकत कुछ और है। अभी भी गाँव के लोगों को शौचालय नहीं मिले और शौचालय न मिलने से गांव के लोग खुले मैदान में शौच जाने के लिए विवश हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी के गोसाईगंज के रज्जाकपुर गांव की, जहां पर हमारे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद है जिनको अभी तक शौचालय नहीं मिले और शौचालय न मिलने से कहीं ना कहीं ये लोग खुले मैदान में शौच जाते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर शौचालय न मिलने से इनको क्या क्या परेशानियां हो रही है। क्या नाम है सर? जागे सर। शौचालय नहीं मिला है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है? शौचालय हम अपने पैसे से बनवाए थे निजी, बहुत लोग 4-6-10 लोग बनवाए थे, तो सचिव द्वारा जांच हुई थी ग्राम प्रधान के द्वारा कि जो लोग इन्हें शौचालय बनवाए हैं उनका बाकायदा फ्लैट लगा करके फोटो भी खींचा गया था और कहा था आप लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत योगदान किया है, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। सरकारी पैसा मिला कि नहीं आपको? और सरकारी पैसा आज तक कुछ नहीं मिला। बिल्कुल ही हमारे साथ लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने अपने पैसे से शौचालय बना लिया लेकिन जो सरकारी अनुदान मिलना था वो अभी तक नहीं मिला, और भी लोग उनसे भी जानेंगे। सर शौचालय नहीं मिला है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत, हमारे पिताजी 95 साल के बुढ़े हैं और महिलाओं को हमारी बेटी को इनको जाने में दिक्कत होती है बाहर, कोई पैसा हमको सरकारी नहीं मिला। आखिर अधिकारी क्यों लापरवाही कर रहे हैं इस पर? अब ये सब खाए जा रहे हैं पैसा बीच में और क्या कर रहे हैं, ये सचिव है BDO ब्लॉक के स्तर के अधिकारी हैं, सारा पैसा खाए जा रहे हैं। सर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? शौचालय नहीं मिल रहे हैं, महिलाएं बाहर जा रही हैं आखिर। हाँ तो दिक्कतें हैं बहुत है, लेकिन नहीं मिलने का किया जाए? अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई नहीं, एक बार मोबाइल से करवा, बातों भरा लेकिन तब को सुनवाई नहीं, मोबाइल से करा रहे बात।